नमस्ते, इंडिया की रसोई में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे व्रत में खाने के लिए मिर्ची वड़े, जो खाने में बहुत ही तीखे और बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बनाने में भी बहुत ही आसान है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं इसके साथ खाने के लिए चटनी। तो यहाँ पर मैं एक कच्चा आम ले रही हूँ, तो अभी सीज़न चल रहा है इसलिए हम इसके साथ कच्चे आम की चटनी बनाएंगे, यानी कि केरी की चटनी। और इसके साथ इसमें हम डाल देंगे 2 हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया, हरा धनिया की जगह आप पुदीना भी डाल सकते हैं। और इसके साथ इसमें डालेंगे 1 चम्मच सेंधा नमक और 1 चम्मच शक्कर थोड़ी मिठास के लिए, और थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम पीस लेंगे। तो ये लीजिए, हमारी व्रत में खाने के लिए टेस्टी सी चटनी रेडी है। और अब हम बनाते हैं मिर्ची वड़े। तो उसके लिए चाहिए हमें एक मिक्सिंग बाउल। सबसे पहले हमें चाहिए फूले हुए साबूदाने, जिनको हमने 2-3 घंटे पहले फूलने के लिए रख दिया था और अभी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। और इसी के साथ हमें चाहिए 2 उबले हुए आलू, अच्छे से मैश किए हुए, और भुनी हुई मूंगफली, जिनको हमने थोड़ा सा क्रश कर लिया था। तो ये हम 2-3 चम्मच डालेंगे। इसके बाद इसमें हम 1/2 चम्मच जीरे डाल रहे हैं और खूब सारा हरा धनिया डालेंगे बारीक कटा हुआ, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है वड़ों में। 1/2 चम्मच इसमें सेंधा नमक डालेंगे, और इसके अलावा इसमें हरी मिर्च और लाल मिर्च बिल्कुल ना डालें, क्योंकि हम मिर्ची वड़े बना रहे हैं तो फिर ज़्यादा तीखा हो जाएगा। और अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो चुका है, और अब हम यहाँ पर ली हैं कुछ हरी मिर्च तीखी वाली, या फिर आप इनकी जगह कम तीखी मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बिल्कुल हल्के हरे कलर की आती हैं बाज़ार में। तो इस तरीके से हम इसमें चीरा लगा देंगे, और इसके बाद आप चाहें तो इनके बीज हटा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इनके बीज नहीं हटाएंगे। और इसके अंदर हम इस तरीके से सेंधा नमक भरते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने सारी मिर्च तैयार करके रख ली हैं। अब हमने जो मिश्रण बनाया था वो इस तरीके से लेके हाथ में फैला लेंगे, और मिर्ची को बीच में रख के अच्छे से लपेट लेंगे और अच्छे से कवर कर लेंगे मिर्ची को। तो इसी तरीके से हम सारे बना के रेडी करके रख लेंगे पहले से ही। और अब हम इनको हम फ्राई करेंगे, तो हाई फ्लेम पे इनको हमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर हमारे मिर्ची बड़े अच्छे से सिक चुके हैं और अच्छे से सुनहरा कलर आ चुका है, और अब हम निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए, हमारे गर्मा गर्म मिर्ची बड़े रेडी हो चुके हैं, जो हम व्रत में खा सकते हैं। और इनको हम सर्व करेंगे हरी चटनी के साथ, जो हमने पहले ही बना के रेडी कर ली थी। तो आज की ये व्रत वाली मिर्ची बड़े की रेसिपी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।